वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों को ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप लोग गेम एक्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ई स्पोर्ट्स की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। बट में से यार काफी लोग मेरे को टाइम स्टैम्प के लिए बोलते हैं मेरे वीडियो के कमेंट में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो टाइम स्टैम्प है वो डाल देता हूँ, बट वो वीडियो में शो नहीं हो पाते हैं। एंड इसी चीज़ से रिलेटेड मैंने कल यूट्यूब सपोर्ट टीम से पूछा था, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिप्लाई किया था एंड उन्होंने बताया था कि जब तक आपके चैनल पर एक्टिव स्ट्राइक रहेगी तब तक आप टाइम स्टैम्प यूज़ नहीं कर सकते, तो आप लोगों को जो टाइम स्टैम्प है वो कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे जब तक मेरे चैनल से स्ट्राइक नहीं हटती है। तो हमारी जो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है मवी को लेके। तो जो मवी है उनसे काफी लोग ये चीज बोल रहे थे कि आप 8-bit ज्वाइन कर लो, एंड साथ में काफी लोग ये भी बोल रहे थे कि आप ब्लेम क्यों देते हो बाकी प्लेयर्स को। तो इन सब चीजों को उन्होंने क्लियर करा अपनी स्ट्रीम पे, उन्होंने इस पे क्या रिप्लाई करा वो आप लोग देख सकते हैं। 8-bit से खेल लेना टीम और दोनों सॉर्टेड, यस जरूर खेल लेंगे अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस मैच हो गई और के हिसाब से या हमारी और की हमारे हिसाब से दोनों की अगर मैं अगर एग्री हो गई तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है खेलने में प्लेयर्स। बट देखो अभी प्रॉब्लम ये होने वाला है कि कोई भी और चाहे 8-bit है कोई भी वो और को ये मतलब होल्ड अपने पे होगा प्लेयर्स और टीम का, तब जाके बात बनेगी, वरना तो फिर जो परफॉर्मेंस आपने देखा 1 साल 1.5 साल 2 साल में वही परफॉर्मेंस आगे जाके आएगा। जितनी देर सबको फेम चाहिए आजकल, कोई किसी के अंडर नहीं खेलना चाहता, सबको बाप बनना है, बट एक टाइम आ जाएगा जब अंडर खेलना ही पड़ेगा। जो अंडर खेलेंगे वो परफॉर्म करेंगे और परफॉर्म करते हैं, जो अंडर नहीं खेलते बाप बनते हैं, वो ऐसा नीचे खिसक जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं जैसा हम लोग स्लिप हुए। देखो एक ई-स्पोर्ट्स टीम में बॉस एक ही होना चाहिए, या तो कोई प्लेयर या ऑर्ग, या तो किसी भी प्लेयर की नहीं चलनी चाहिए या एक प्लेयर की चलनी चाहिए, मतलब जो भी इनको लीडर दिया होता है या जिसको भी, तो सबको सही चल जाता है। वरना अगर जहां पे दो चीजें मिल जाती हैं वहां पे आ जाता है लूपहोल बचने का, जहां पे जो बंदा गलती करेगा वो बचने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेगा, तो वहां से चीजें खराब हो जाती है। व्हाट आई फील्स, ये मेरा 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस बताता है जिसमें मैंने बहुत सारे सफर ऊपर नीचे तय किए हैं, जहाँ पे मेरे को मेरे 3 टीममेट्स नहीं मतलब हमारी टीम, मैं नहीं बोलूंगा छोड़ के या मैंने छोड़ा है ऐसा नहीं, हमारी टीम बिखर गई थी जहाँ पे 3 प्लेयर अलग चले गए थे, मैं अकेला बच गया था। मैंने दोबारा फिर टीम बनाई, दोबारा फिर चलाई, दोबारा फिर ऊपर आया, दोबारा खुद से क्वालिफाई किया, खुद से आगे परफॉर्म किया, खुद से सब कुछ किया, तो मतलब एक्सपीरियंस तो होगा मेरे को ऐसा लग रहा है कि टीम कैसे चलती है। तो जैसा कभी भी मान, बाकी आईजीएल्स का मेरे को पता नहीं है क्या करते हैं क्या नहीं लीडर्स का, मान मेरा लगा लो है ना, मान लो जब हम अपन कहीं पे हक देते हैं, मैं किसी अपने टीममेट को गाली देता हूँ या अपने बंदों को डांटता हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो जैसा चैट वाले या कोई भी बंदे ना जो देखता है थर्ड पर्सन, वो क्या बोलना शुरू कर देता है कि तूने खुद क्या किया, तूने खुद किया। देखो जो टीम का लीडर, जैसा मान लो मैं खेलता हूँ ना, ठीक है चलो मेरा गेम प्ले कैसा भी है मैच है, बट जब मैं किसी बाकी बंदे को सुनाता हूँ या किसी को बोलता हूँ, उसका मेरा मतलब ये होता है कि मैं वो अगर गलती कर रहा है तो मेरा हक बनता है उसको बताने का कि तू ये सही कर ले। अगर मैं वो चीज नहीं कर पा रहा बट मेरे को पता तो है ना कि कैसे करते हैं, तो वो चीज हमेशा याद रखना कि अगर कोई लीडर है, कोई बंदा किसी को डांट रहा है ना, तो उसी के फायदे के लिए डांट रहा है कि एटलीस्ट वो तो इम्प्रूव करेगा ना। अगर उनको मैं ही नहीं बताऊंगा अपनी टीम वालों को तो उनको कौन बताएगा, तो कभी भी ये मत समझना कि ये वो कभी ब्लेम होता है या ब्लेम करके क्या मिलेगा। काफी लोग ट्रॉल वगैरह कर रहे थे, साथ में अब्यूज भी कर रहे थे, तो सबसे पहले उनका वो वाला रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। टट्टी भी लगती है भाई, तेरी मम्मी कुछ खा देता वो टट्टी, पता है तेरे को कौन है भाई टीवन से लग जैसा बोल रहा है भाई, टीवन से बोल रहा है छी छी अबे लौड़े बोने उतर जा तू 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 इससे अच्छा तो क्लासिक खेल लो रे स्काउट भाई, अभी भी स्काउट भाई यहां पे जिंदगी में भी आ करो यहां पे भी आने। अरे नाम तो बता दे अपना, इतना प्यार से बात कर रहा है बता दे, तेरे घर पे आके उठवाता हूँ, तेरे घर पे उठवाता हूँ आके बहन के लंड। अरे वो ए बोलते रहो, एक बार आवाज निकल जाए तो गान फट जाए इन लोग की। एक डिफेंडर था उसका सुना? अरे हाँ, अरे डिफेंडर तो पूरी टीयर वन है। एक बार मैं खाली बोल दूँ ना, नाम तो बता दे अपना, तेरे को मैं दिखाता हूँ बहन चो जिंदगी में कैसा दिखते हैं। अबे सुन 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 पुकार, इनको स्पॉट करना बहुत इजी है। इसने खाली बोली की बोल
इसकी स्ट्रीम हो रही होगी ऑल चैट में, तब तक गाली चल रही थी जब तक अपन उतरे नहीं है, तो वही टीम बची जो लोग लेट उतरे होंगे। मैं भी कुछ नहीं करूँ, तुम्हारे हाथ में दे दूंगा मैं इस बंदे का पूरा हिसाब किताब निकाल के, तुम्हें जो करना कर लेना, तुम्हारे हाथ में परोस दूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो स्काउट है जब वो मैच एंड हो जाता है तो उसके बाद वो एक्शन लेते हैं उस प्लेयर के अगेंस्ट में, एंड उन्होंने कुछ डिटेल्स वगैरह भी उस प्लेयर की शेयर करी थी अपनी स्ट्रीम पे, तो वो वाली क्लिप भी आप लोग देख सकते हैं। M24 बेटर, हाँ नहीं M24 नहीं, कोई कोई बोल्ट एक्शन सेंस ही नहीं है बीजे में। हेलो सुनना, एक काम करेगा, मेरी स्ट्रीम बैक करके देखियो, उसमें एक बंदा गाली भर रहा था कोई ऑल चैट पे, तो उस पॉइंट पे जहाँ तक जहाँ से हम कूदे वो तब तक था, मतलब उसी एरिया के अराउंड कुछ टीम्स सर्टेन टीम्स बची होगी, चार पाँच टीम, उन्हीं में से कोई एक बंदा गाली भरा होगा ना इसका मतलब ऑल चैट पे। हाँ थोड़ा पता कर, नोवम में खेल रहा, नोवम के साथ पता करके दे, और वहाँ के पूछ वो बंदे को, स्पेसिफिक बंदे को निकालना, देखो आवाज़ उस, और उसका आवाज़ भी रहेगा तो उसका आवाज़ तो लोगों को समझ भी आ जाएगा कौन होगा अगर उसके नोन रहेंगे तो। हाँ पता करा, इसका मैं थोड़ा सा क्लास लूँगा अलग से, ठीक है। हाँ इजी इजी बॉयज, माइक ऑन है, माइक ऑन है, कोई दिक्कत। बस मैं यही बोलूँगा भाई, हम अगर इंसानियत से रहते हैं, आप भी इंसानियत से रहो, आप मादरशुद बनोगे तो हम भी मादरशुद बनेंगे, बहुत सिंपल सी बात है यार। नहीं नहीं सिंपल ज़्यादा, हम अगर इज्जत से रहते सामने वाले भी इज्जत से रहे। मैं तो ऐसे ऑल चार्ट किया, सिंपल सी अपने लॉन्डे मीटर, अब मुझे थोड़ी पता कि अंडर डॉग सेकंड खेल रहे हम लोग, तो भाई अब अंडर डॉग्स को क्या ही बोले, अब अंडर डॉग्स इसलिए अंडर डॉग्स है। पिलाई तो है, अब क्या करें, अब भाई जो होना है वो होना है, एक्शन के जो भी एक्शंस लिए जाएंगे उसी के एक्शंस के अगेंस्ट, सही बात है। अब कोई ये तो नहीं बोल सकता ना कि भैंचोद कि हमें क्या पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, भाई पावर का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तुम हरकतें ऐसी कर रहे हो, हरकत ऐसी कर रहे हो, मैं बैक हैंड में काम कर दूंगा, किल मारो। गाइस गुड न्यूज़, हमें वो बंदा मिल गया है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मतलब भाई का नाम निखिल है, गुड लक टू हिम, बाकी इसके बारे में हम आपसे आप लोग वाली पब्लिक जानती है, कल बात करेंगे। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है TSM को लेके, तो आप लोगों को भी पता है कुछ दिन पहले हमें सुनने को मिला था कि जो TSM है उन्होंने काफ़ी सारे अपने जो लाइनअप्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया था, एंड इस चीज़ से काफ़ी लोगों को ये चीज़ लग रही थी कि वो अपने ई स्पोर्ट्स डिवीज़न भी शट डाउन करने वाले हैं, एंड इस चीज़ के ऊपर जो TSM आर्मी ने उन्होंने एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने क्लियर करा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, एंड जिन गेम्स में उन्होंने अपने जो ऑपरेशन है उनको शट डाउन कराया उसके बारे में भी उन्होंने बात करी है, उनकी स्टोरी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वीरू को लेकर, तो जो वीरू उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जब गेम वापस आ जाएगा तो वो हमें कमबैक करते हुए दिखाई देंगे। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, डागी को ये अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।